Shambhunath Group of Institutions, shaping the future. Good morning, myself Saurabh Dubey. Last lecture में हमने male reproductive system को discuss किया था. As you know, उस lecture में भी मैंने describe किया था कि human beings are unisexual. That means कि male sex organs जो हैं वो male body में exist करते हैं और female sex organ वो female body में exist करते हैं. Male sex organs और उनके parts को मैंने last lecture में describe किया था. Today I will describe the female reproductive system and its parts. ये जो figure है, this figure completely describes the location as well as structure, external morphology of all the female reproductive organs. इस figure आप देख रहे हैं. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेंशियल ऑर्गन्स या पार्ट्स आते हैं उसमें सबसे जो बेसिक पार्ट है वो है अ पेयर ऑफ ओवरीज. पेयर ऑफ ओवरी, वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है हमारे फीमेल. जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बेसिक सेक्स ऑर्गन या है वो है आपका स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. उस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गैमीट है उसके प्रोडक्शन के लिए ये ओवरी प्रेजेंट होती है, वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है. ठीक है ना, ओवरी का जो साइज है इट इज जस्ट लाइक ये ओवल शेप होती है. इनका जो शेप होता है वो ओवल होता है, आलमंड, आलमंड जिसको बादाम जैसा शेप होता है. अगर आप इसकी साइज देखोगे, लेंथ देखोगे ओवरी की, तो द लेंथ ऑफ ओवरी इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबी होती है ईच ओवरी. इसकी जो थिकनेस होती है, ईच ओवरी इज अप्रोक्सीमेटली 8 मिलीमीटर थिक. ये 8 मिलीमीटर मोटी होती है. तो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट विच इज कॉल्ड ओवम. तो इसी के अंदर फीमेल गैमीट यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है. वन पेयर ऑफ ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है. लोकेशन आप देख लीजिए, ये जो बड़ा सा एक कोनिकल शेप ऑर्गन आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड यूट्रस, जिसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं. अब आप देखेंगे यूट्रस यानी गर्भाशय के दोनों तरफ, दोनों साइलेट्रल साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है. शेप इनका या तो ओवल शेप होता है या तो फिर आलमंड बादाम के जैसा शेप होता है. लेंथ मैंने इसकी डिस्क्राइब की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. और उसके बाद इसकी जो थिकनेस होती है हर ओवरी की, ईच ओवरी की, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 8 मिलीमीटर थिक. उसके बाद अ पेयर ऑफ ओवरी, ये पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. उसके बाद दूसरा जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स. देखिए फिगर में ये ओवी के ऊपर की तरफ एक हैंड डाउन अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, डक्ट होती है विच इज हैंगिंग ओवर ईच ऑफ दीज ओवरीज. ओवरी के ऊपर ये टंगी होती है, हैंग्ड होती है. इसी 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब को आप या तो फेलोपियन ट्यूब कहते हो या तो ओवी डक्ट कहते हो. ये भी पेयर्ड होती है ओवरी की तरीके से, ये भी दो होती है. यूट्रस के दोनों लेटरल साइड्स में एक एक फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है. अब अगर आप किसी एक सिंगल ओविडक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये मैंने अभी जैसे बताया अभी कि फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है इसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. जहां पर ओवी लोकेटेड होती है, ओवरी के ऊपर से इसका जो ब्रॉड पार्ट है, फनल शेप्ड पार्ट है, वहां से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होकर के ये हमारे पेल्विक कैविटी के मिडलाइन की तरफ जा करके ये ओविडक्ट खुल जाती है इसी यूट्रस में. ये जो कोनिकल शेप्ड ऑर्गन है यूट्रस, गर्भाशय, इसी में जा करके ये फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट खुल जाती है. ओविडक्ट का वो पार्ट जो प्रॉक्सिमल पार्ट है विच इज हैंगिंग ओवर ईच ओवरी, इसका ये जो पार्ट है वो ब्रॉड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है एंड इट इज सीलिएटेड. इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस ओविडक्ट के इस ब्रॉड पार्ट में. इस फिंगर लाइक जो ये प्रोजेक्शंस हैं इनको कहा जाता है फिम्ब्री. दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्री, इनको फिम्ब्री कहा जाता है. ठीक है ना, तो वो पार्ट इस फिलोपियन ट्यूब का जो कि इस ओवरी के ऊपर हैंग डाउन होता है, सबसे पहली बात तो वो ब्रॉड होता है ना,
वो फिम्ब्रिएटेड होता है, मतलब वहां पर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो उस ओवरी को घेरे होते हैं इसी फिलोपियन ट्यूब के। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर बीचों बीच यहां पर एक माइन्यूट सा पोर होता है, उस पोर को हम लोग ऑस्टियम कहते हैं, ऑस्टियम। तो ये जो फिम्ब्री है और ऑस्टियम है ये दोनों मिला करके एक कलेक्टिव, एक सिंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो फिलोपियन ट्यूब का या ओवी डक्ट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि ओवरी के ऊपर हैंग डाउन करता है वो फिम्ब्रिएटेड होता है, फिम्ब्री प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक माइन्यूट पोर को इनसर्किल किए रहते हैं या घेरे रहते हैं। अब उस पोर को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम। तो फिम्ब्री प्लस ऑस्टियम दोनों मिल गए तो एक सिंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो फिलोपियन ट्यूब का ये प्रॉक्सिमल पार्ट पहला पार्ट है इस फिलोपियन ट्यूब का जिसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। फिर अगर आप इस इनफंडिबुलम के पीछे की तरफ जाओगे तो ये फिलोपियन ट्यूब थोड़ा सा ब्रॉड होती है, इसका ये जो ब्रॉड एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है ना, दो तिहाई भाग जो इसका है वाला आगे का, जस्ट बिहाइंड दिस इनफंडिबुलम टू थर्ड पार्ट जो है उस पार्ट को हम लोग एम्पुला कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। तो ये फिलोपियन ट्यूब का सेकेंड पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री विच आर इनसर्कलिंग दिस माइन्यूट पोर विच इज कॉल्ड ऑस्टियम। तो ये दोनों फिम्ब्री और ऑस्टियम मिलकर के इनफंडिबुलम बनाए। इनफंडिबुलम के पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये फिलोपियन ट्यूब अभी भी ब्रॉड है, इसका ये जो टू थर्ड एंटीरियर ब्रॉड पार्ट है इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। फिर एम्पुला के पीछे की तरफ आप जाते जाओगे तो ये जो फिलोपियन ट्यूब है ये नैरोअर हो जाती है और अल्टीमेटली ये नैरो हो करके ये जा करके इसी यूट्रस में खुल जाती है। तो इसका ये जो नैरोअर रिमेनिंग वन थर्ड पार्ट जो है, अब टू थर्ड पार्ट तो ब्रॉड है उसको आपने एम्पुला का, रिमेनिंग वन थर्ड पार्ट जो है इस फिलोपियन ट्यूब का इसको हम लोग स्थमस कहते हैं विच अल्टीमेटली गेट्स ओपन इन टू दिस यूट्रस, ये यूट्रस में जाकर के खुल जाता है, ठीक है। अब ये बहुत ही फाइब्रोमस्कुलर डक्ट है, इसके अंदर की तरफ बाहर की तरफ तो इसकी मस्कुलर वॉल होती है जो कि स्मूथ मसल या विसरल मसल की बनी होती है। एक्सटर्नल वॉल जो विसरल मसल की बनी है उसके अंदर की तरफ इस फिलोपियन ट्यूब के कैविटी की तरफ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम अंदर की तरफ इसके कैविटी की तरफ, और इस एपिथेलियम के बाहर की तरफ एक बहुत थिक मस्कुलर वॉल होती है। देखिए फिलोपियन ट्यूब का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ओवरी में, ओवरी तो अभी हमने आपको बताया कि ओवरीज जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर द फीमेल गोनेट्स, यही वजह से कि टेस्टिस होता है मेल गोनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। लाइकवाइज ओवरीज आर द फीमेल गोनेट्स, दे आर द प्राइमरी ऑर्गन्स, दे आर द मेजर ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड ओवम। ओवम जब बनते हैं ओवरी के अंदर तो आफ्टर फॉर्मेशन ये ओवम डिस्चार्ज हो जाते हैं इनटू द बॉडी कैविटी, और डिस्चार्ज होने के बाद ये फिम्ब्री इन ओवम्स को कलेक्ट कर लेती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन फंडिबुलम के जिसको आप फिम्ब्री कह रहे हो, ये इस ओवम को कलेक्ट करते हैं। फिर ये ऑस्टियम से होते हुए ये जो माइन्यूट पोर है इन फंडिबुलम का, ऑस्टियम से होते हुए दीज ओवम देन इंटर्स इनटू द एम्पुला पार्ट विच इज द टू थर्ड ब्रॉड पार्ट ऑफ दिस फिलोपियन ट्यूब। इस एम्पुला पार्ट में ये ओवम इंटर कर जाता है। यहां पर वेजाइना में जो सीमेन होता है मेल का वो डिस्चार्ज होता है, सीमेन में स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, दे ट्रेवल अप टू दिस एम्पुला पार्ट ऑफ दिस फिलोपियन ट्यूब, और यहीं पर स्पर्म्स और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेजर फंक्शन ये इट इज द फिलोपियन ट्यूब जो है वो फर्टिलाइजेशन का साइट होता है, यही वो जगह है इसके, इसी एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवम। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर जायगोट बनता है, यहीं पर जायगोट का मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है, यहीं पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ समय के लिए तो ये ओवा को स्टोर करती है, यहीं पर जो जायगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो की जो प्रिलिमिनरी फॉर्म है स्टेज है वो बन जाती है, और एम्ब्रियो की इसी प्रिलिमिनरी स्टेज को फिर ये फिलोपियन ट्यूब कंडक्ट कर देती है, ट्रांसफर करती है into the cavity of the uterus। तो अभी मैंने आपको ये बताया
कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, बादाम के जैसी आलमंड शेप, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग 8 मिलीमीटर थिक. वन पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट, दे आर द फीमेल गोनेड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स व्हिच आर कॉल्ड ओवम. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट. दीज ओविडक्ट्स आर कॉल्ड फिलोपियन ट्यूब, इसको आप फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हो. ये भी वन पेयर होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है. आपने देखा होगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो है वो बना होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड फिम्ब्री, और अ माइन्यूट पोर विच इज कॉल्ड ऑस्टियम. यहीं से ये फिम्ब्री जो है वो ओवम को कलेक्ट करके ऑस्टियम के थ्रू इसको ओवम को इस फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में भेजती है. उसके बाद थर्ड जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आप देख ही रहे हो, ये कोनिकल शेप्ड हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है, इट इज कॉल्ड यूट्रस. इसको यूट्रस बोला जाता है, हिंदी में इसी को गर्भाशय बोला जाता है. ये हाईली मस्कुलर होता है. अब देखिए यूट्रस जो है वो हमारी जो फीमेल है, फीमेल की जो एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पोर्शन होता है जिसको आप लोग पेल्विक कैविटी बोलते हो, उसके एकदम मिड लाइन में ये सिचुएटेड होता है. अप्रोक्सीमेट लेंथ जो होती है यूट्रस की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. कितना लंबा होता है याद कर लीजिएगा, इस पूरे यूट्रस की जो टोटल लेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, पेल्विक कैविटी की बिल्कुल मिड लाइन में लोकेटेड होता है, इसके आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ. अब ये तो बीच में लोकेटेड है ये यूट्रस पूरा कोनिकल शेप्ड ऑर्गन, इसके आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड होता है, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ इसके रेक्टम जो है वो सिचुएटेड होता है. तो आगे की तरफ इसके जो है वो यूरिनरी ब्लैडर होगा, इसके पीछे की तरफ इस यूट्रस के जो पेल्विक कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर रेक्टम सिचुएटेड होता है. कोनिकल शेप्ड ऑर्गन है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि एक पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, पेरिटोनियल वॉल होता है. देखिए पेरिटोनियम मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि व्हाट इज पेरिटोनियम. हमारी जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी को सीलोम कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे. और अंदर से ये सीलोम, वो खोखली, वो हॉलो कैविटी है जिसके अंदर हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स लोकेटेड है. ये थोरेसिक कैविटी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोरेसिक कैविटी भी अंदर से हॉलो है, इसी के अंदर लंग्स, इसी के अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है. फिर यहाँ डायफ्राम होता है, डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन विच सेपरेट्स दिस थोरेसिक कैविटी विद दिस एब्डोमिनल कैविटी. तो ये पूरी एक सिलोमिक कैविटी है, इट इज इंटरनली हॉलो, इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन, लेयर ऑफ मसल्स एंड वॉल ऑफ बोन्स. यहाँ हमारा थोरेसिक केज होता है, बोन्स, उसके अंदर की तरफ ये हॉलो कैविटी आ गई. अब ये स्किन की, मसल की और बोन्स की लेयर के नीचे की तरफ एक स्क्वेमस एपिथेलम की एक पतली सी लेयर होती है. इट इज जस्ट लाइक दैट कि अब आप एक अलमीरा ले लो, अलमीरा की जो वॉल होती है स्टील की वॉल होती है, उसके अंदर अलमीरा जो अलमारी होती है उसके अंदर उसकी खोखली कैविटी होती है जिसके अंदर हम लोग शेल्फ में सब अपना सामान रखते हैं. अब वो अलमारी या अलमीरा जो है उसके अंदर जो कैविटी है उसको आप सिलोमिक कैविटी समझ लेते हो, वो सिलोमिक कैविटी हो गई. अब आपको मान लीजिए ये कोई एक सामान है, इसको आपको उस अलमीरा के अंदर रखना है, लेकिन रखने से पहले आप इसको किसी क्लोथ से, किसी कपड़े से या किसी पेपर से रैप करोगे, और रैप करने के बाद आप इस सामान को, इस थिंग को आप उस अलमीरा की कैविटी के अंदर रखोगे. तो एक तो अलमीरा की कैविटी हो गई, और ये अगर पेन, अगर ये जो कोई इंटरनल ऑर्गन है, से मान लीजिए ये हार्ट है या ये किडनी है, किडनी अभी मैं आपको बताऊंगा, किडनी जो है वो इस पेरिटोनियल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती है. यही एक अकेला ऐसा इंटरनल ऑर्गन है विच इज सिचुएटेड आउटसाइड दिस पेरिटोनियल कैविटी. तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था, अलमीरा की जो कैविटी है इट इज सिलोम, बॉडी कैविटी. आपने जो पेपर से या क्लोथ से इस ऑर्गन को लपेटा है, अब लपेटने के बाद उस पेपर के अंदर एक कैविटी बन गई, दैट कैविटी इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी. उस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिटोनियल कैविटी बोलेंगे. उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड होता है. तो याद रख लीजिएगा कि पेरिटोनियम क्या होती है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है. इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर स्क्वेमस सेल्स होंगे, इसको मीजोथीलियम भी बोला जाता है. व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड
मीजोथीलियम, तो इसको समझिएगा, स्किन क्लियर है हमारी, सिलोम बॉडी कैविटी में, उसके नीचे मसल्स क्लियर है, उसके नीचे जो है अगर बोन्स है तो बोन्स की एक कवरिंग होती है, बोन्स की कवरिंग और कैविटी के, सिलोमिक कैविटी के बीच में एक मीजोथीलियम या पेरिटोनियल कवरिंग होती है, और ये पेरिटोनियल कवरिंग से सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी घिरे होते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये यूट्रस भी इस पेरिटोनियम लेयर यानी मीजोथीलियम से घिरा हुआ, यानी उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही वो बंद है, उसी पेपर से रैप्ड है ये भी, ठीक है। किडनी एक ऐसा एक्सेप्शन है, किडनी इस पेरिटोनियल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है, मीन्स किडनी जो है वो पेरिटोनियल कैविटी और सिलोमिक कैविटी के बीच में लोकेटेड होता है, यानी बॉडी वॉल हो गई, बॉडी वॉल के बाद फिर किडनी लोकेटेड, उसके बाद फिर पेरिटोनियल कैविटी की जो लेयर है वो आएगी और उसके अंदर फिर ये पेरिटोनियम जो कैविटी है वो आएगी। तो ये यूट्रस है सराउंडेड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से सराउंडेड रहता है। अब यूट्रस में जो इसकी जो वॉल है वो थ्री लेयर्स में डिवाइडेड रहती है। आउटर मोस्ट लेयर तो पेरिटोनियम की ही बनी होगी, पेरिटोनियम से ये सराउंडेड रहता है। पेरिटोनियम के अंदर की तरफ इस यूट्रस की बहुत थिक मस्कुलर लेयर होती है, बहुत मोटी सी मस्कुलर लेयर होती है। दिस मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। फिर ये जो कोनिकल शेप्ड ऑर्गन है, मायोमेट्रियम लेयर के अंदर की तरफ इसकी छोटी सी यूट्रस कैविटी होती है, इसी यूट्रस कैविटी में एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये तो पेरिटोनियम लेयर हो गई पहली लेयर, उसके बाद पेरिटोनियम के नीचे की तरफ इसकी थिक मस्कुलर लेयर विच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। पेरिटोनियल कैविटी और मायोमेट्रियम के बाद अंदर की तरफ आप देखोगे कि ये जो यूट्रस की कैविटी है इट इज लाइंड बाय या इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम। यहां पर भी ये एक एपिथेलियम होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें बेसिकली क्यूबॉइडल सेल्स ही होते हैं, तो ये एपिथेलियम प्रेजेंट है। दिस यूट्रस कैविटी सराउंडेड बाय दिस एपिथेलियम, दिस लेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द यूट्रस। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो पूरे यूट्रस की जो वॉल है वो थ्री लेयर्स में डिवाइडेड हो गई। आउटर मोस्ट लेयर तो पेरिटोनियम ही है, पेरिटोनियम से ही कवर्ड है। मिडिल हाईली मस्कुलर एंड थिक लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और अंदर की तरफ मायोमेट्रियम के अंदर की तरफ एक सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होती है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी ग्लैंडुलर सेल्स, बहुत सारे इसमें ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। इस इंटरनली इनर मोस्ट लेयर थर्ड लेयर को ही हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, याद रखिएगा। एंडोमेट्रियम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस एंडोमेट्रियम का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस वक्त ये एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं ग्लैंडुलर सेल्स वही डेड होती हैं, उस फ्लो के साथ ये वजाइना के थ्रू बाहर निकलती हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी एंडोमेट्रियल सेल को ही आप लोग देखेंगे। तो ये यूट्रस हो गया, इसकी वॉल की लेयर्स मैंने बताया, पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के बाद मस्कुलर थिक लेयर है विच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी पूरी यूट्रस की। अब कोनिकल शेप्ड ऑर्गन है तो इसका जो सबसे वाइडेस्ट, जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है यूट्रस का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट जो है 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर थिकनेस आप देखेंगे, इसको पकड़ें कितना थिक होता है, तो इस पूरे यूट्रस की जो थिकनेस है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर थिक। तो ये डायमेंशन हो गई यूट्रस की। हमारी जो पेल्विक कैविटी है, फीमेल जो एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पोर्शन है जिसको आप पेल्विक कैविटी बोलते हो, उसके एकदम बीचों बीच उसके मिड लाइन में लोकेटेड होता है। आगे की तरफ इसकी यूरिनरी ब्लैडर और पीछे की तरफ इसके रेक्टम सिचुएटेड होता है। डायमेंशन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इट इज यूट्रस जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अपने वाइडेस्ट पार्ट में ब्रॉडेस्ट पार्ट में इट इज 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, एंड जो इसकी थिकनेस होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर थिक। अब आप देखोगे कि ये जो पूरा यूट्रस है, ये इसकी वॉल लेयर तो मैंने आपको बता दी, पेरिटोनियम है, मिडिल मस्कुलर लेयर विच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम है, इनर मोस्ट लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम विच इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ये जो आप ऊपर की तरफ ये डोम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस यूट्रस का, इट इज कॉल्ड फंडस, इसको फंडस बोला जाता है। ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इसका,
जो वॉइस के ब्रॉडेस्ट या वाइडेस्ट पार्ट में ये लोकेटेड होता है. दिस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंडस. ये फंडस है, ये इस यूट्रस का सबसे ब्रॉड पार्ट है, सबसे अपर पार्ट है, पहला पार्ट है. उसके बाद फंडस के बाद ये जो पूरा पोर्शन आप बीच में देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो आप देख रहे हो इस यूट्रस का, दिस मिडिल लॉन्ग या लार्ज पोर्शन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ यूट्रस. तो यूट्रस के तीन पार्ट हो गए. पहला तो ऊपर की तरफ जो डोम शेप्ड पार्ट है उसको आपने फंडस बोला. इसका जो मिडिल लार्ज पार्ट है पूरा, ये पार्ट जो यूट्रस का, इसको आप लोग बोलोगे बॉडी ऑफ यूट्रस. और फिर उसके बाद यूट्रस का ये जो यूट्राइन कैविटी होती है, ये नीचे की तरफ एक नैरो होती हुई स्पेस, एक कैनाल के थ्रू बाहर की तरफ वजाइना में खुल जाती है यूट्रस कैविटी. तो यूट्रस का ये जो थर्ड नैरोअर पार्ट है इसको आप बोलते हो सर्विक्स, इसको बोला जाता है सर्विक्स. तो पूरा ये जो कंप्लीट यूट्रस, इसके ये तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है. अपर ब्रॉड डोम शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड फंडस, मिडिल वाला जो लार्ज पार्ट है जहां पर ये इसकी यूट्राइन कैविटी सिचुएटेड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस. और लोअर नैरोअर पार्ट जो यूट्रस का है, जो अल्टीमेटली जाकर के वेजाइना में खुल जाता है, इट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है सर्विक्स. तो ये यूट्रस से, तो हमने अभी आपको ये बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेजर पार्ट है उसमें अ पेयर ऑफ ओवरी आलमंड शेप्ड है, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब. फिर उसके बाद मैंने आपको यूट्रस डिस्क्राइब किया. और फोर्थ और लास्ट पार्ट इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, इट इज कॉल्ड वेजाइना. वेजाइना आप देख रहे हो, ये वेजाइना जहां पर ये यूट्रस की जो सर्विक्स है वो अल्टीमेटली वेजाइना में जाकर के खुल जाती है. वेजाइना जो है वो एक हाईली मस्कुलर फाइब्रो मस्कुलर डक्ट या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है. वेजाइना की जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर. ये मतलब वेजाइना जो है वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर, यानी 7.5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट होती है, कैनाल होती है, जो बाहर की तरफ वेजाइनल पोर से खुल जाती है. याद रखिएगा फीमेल्स में जो यूरिन पास होने का जो यूरिनो, हमारे मेल्स में तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोला जाता है. मतलब आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया अपने लास्ट लेक्चर में कि यूरिन और सीमेन के पास होने का एक कॉमन रास्ता होता है. यूरिन एंड सीमेन बोथ पासेस थ्रू द यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा ओपन्स आउट थ्रू द यूरिनोजेनाइटल पोर विच इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द पेनिस. तो हमारे अंदर यानी मेल्स के अंदर जो है वो यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी और यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर आता है, तो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग और उसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग कलेक्टिवली यूरेथ्रा में होती है. और यूरेथ्रा पेनिस के पूरे इंटायर लेंथ से गुजरते हुए पेनिस के टिप पर मौजूद यूरिनोजेनाइटल पोर के थ्रू खुलता है. इसीलिए मेल्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको इसीलिए यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है. फीमेल्स में ऐसा नहीं है. फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यानी एक्सट्रैक्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग होती है और वजाइना की ओपनिंग जो है वो अलग होती है. तो वजाइना मैंने आपको बताया कि फाइब्रो मस्कुलर एक कैनाल है, डक्ट है, इसके बाहर की तरफ भी पेरिटोनियम होती है. बीच में मिडिल लेयर जो होती है वो हाईली मस्कुलर होती है. वजाइना बहुत डिस्टेंसेबल होती है, मतलब फैलती भी है, सिकुड़ती भी है, ये कंटिन्यूसली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, ये इसमें ऐसी क्षमता होती है. उसके बाद वेजाइना के सबसे अंदर की तरफ आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मैंने आपको बताई थी. नॉन केराटिनाइज्ड है मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अबव जो है सेल्स की कई मल्टीपल लेयर्स होती हैं, लेकिन जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड लेयर नहीं होती. केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन इसमें इनके सेल्स में नहीं होता है. तो ऐसी जो एपिथेलियम बनती है इट इज कॉल्ड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो वेजाइना में बाहर की तरफ पेरिटोनियल लेयर होती है, उसके बीच में हाईली मस्कुलर लेयर होती है, हाईली थिक मस्कुलर लेयर होती है, और अंदर की तरफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है. याद रखिएगा कि वेजाइना जो है वो लेंथ में 7.5 टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये इसकी एवरेज लेंथ होती है वेजाइना की. वेजाइना का जो फंक्शन है वो ये है कि ये मेंस्ट्रुअल फ्लो में हेल्प करती है. इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है.
क्यों? क्योंकि इस यूट्राइन कैविटी में, यूट्रस की इस कैविटी में जो भी इम्ब्रियो डेवलप होता है, जब इम्ब्रियो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, उसकी जब बर्थ होती है, तो बर्थ के दौरान वो इम्ब्रियो या वो बेबी जो है वो इसी वजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है, वजाइनल पोर के थ्रू ही वो बाहर निकलता है। तो इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और कॉपुलेशन के दौरान जो पेनिस होता है और जो पेनिस के थ्रू जो सीमेन का डिस्चार्ज होता है वो इसी वजाइना में होता है। तो ये इसके कुछ प्राइमरी फंक्शन हो गए। दूसरा, वजाइना का और क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम आपको बता दें कि वेजाइनल कैविटी जो है वो एसिडिक होती है, याद रखिएगा एसिडिक होती है, इसका पीएच जो होता है वो 7 से बिलो होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वेजाइना की जो वॉल होती है, इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होंगी, सारे लेयर्स जो है सेल्स में, जितने भी उस लेयर्स में जितने भी सेल्स होंगे, दे विल ऑल बी लिविंग सेल्स बिकॉज ऑफ नॉन डिपोजिशन ऑफ एनी क्रिएटिन प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दोस सेल्स, तो किसी भी क्रिएटिन प्रोटीन का। तो अब ये जो नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, वेजाइनल के वेजाइना के वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है, इनकी जो ये सेल्स होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की, इसमें ग्लाइकोजन बहुत ह्यूज अमाउंट में भरा होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टोर्ड रहता है। अब वेजाइना में कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया मतलब जो हमारे लिए हमारी ह्यूमन बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, और उनसे उनके रहने से हमारी ह्यूमन बॉडी को कुछ ना कुछ फायदा ही होता है, उनको बैक्टीरिया को भी फायदा होता है बिकॉज दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अवर बॉडी, तो वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते रहते हैं और हमारी बॉडी उनको रहने के लिए जगह, फेवरेबल एनवायरमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और वो हमारे लिए भी कभी फर्मेंटेशन करते हैं और जो हमारे नॉन डिग्रेडेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं, सेलुलोज वगैरह, उसका फर्मेंटेशन करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइकवाइज वेजाइना में भी एक बैक्टीरिया रहता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, इसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वेजाइना की जो वॉल है, इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, नॉन स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम की जो सेल्स है उसमें ग्लाइकोजन बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है। अब ये जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है जो वेजाइना की इस कैविटी में रह रहे हैं, दीज बैक्टीरिया फर्मेंट द ग्लाइकोजन, ये उस ग्लाइकोजन का जो उस स्क्वैमस सेल में स्टोर है उसका फर्मेंटेशन करते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स का, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इस लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से जो वेजाइनल कैविटी होती है, वेजाइना के अंदर पूरा इसकी जो म्यूकस, मैंने आपको अभी बताया कि यूट्रस की जो ये इंडोमेट्रियम लेयर होती है, ग्लैंडुलर होती है, इसमें कुछ सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ये म्यूकस जो है वो फ्लो करके पूरा वेजाइना में आता रहता है, वेजाइना की वॉल की इनर लेयर पर पूरा ये म्यूकस फैला रहता है। फिर लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है, दे आर परफॉर्मिंग द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन विच आर स्टोर्ड, विच इज स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ दिस वेजाइनल कैविटी स्क्वैमस सेल्स, और वहां पर फर्मेंटेशन की वजह से जो ऑर्गेनिक एसिड लैक्टिक एसिड बनता है, दिस लैक्टिक एसिड गेट्स मिक्स्ड अप विद द म्यूकस विच इज स्प्रेड ओवर द इनर सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ वेजाइना। इस वजह से वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, याद रखिएगा वेजाइना जो है वो एसिडिक होता है, इससे प्रोटेक्शन मिलती है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह भी अगर वेजाइना में इंटर कर गए तो वहां पर वेजाइना की एसिडिटी की वजह से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये चार बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरे इस फिगर से समझे जा सकते हैं। पेयर ऑफ ओवरी याद रखिएगा, पेयर ऑफ ओवरी जो है वो गोनेड्स है, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड ओवम, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट मैंने आपको डिस्क्राइब की, फिर उसके बाद यूट्रस हो गया और उसके बाद फिर ये हो गया वेजाइना। तो इस पूरे फिगर से इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। सारी चीजें यहां पर देखिए लेबल्ड भी हैं, कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद। तो अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होती है, दे आर दी फीमेल गोनेड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, एंड फीमेल गैमेट्स को हम लोग ओवम कहते हैं।
तो अब हम लोग इस ओवरी का जो साइज है वो भी डायमेंशन है वो भी डिस्कस किया. इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 मिलीमीटर थिक. ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर यानी इसकी हिस्टोलॉजी अगर हम देखें, अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडल आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन अगर हम काटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है इसका टिश्यू स्ट्रक्चर में, तो दूसरे ऑर्गन्स की तरीके से जो ओवरी होती है उसके बाहर इसकी थिक वॉल होती है. ओवरी की जो थिक वॉल है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है. याद रखिएगा कितने लेयर्स में, 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है. आउटर मोस्ट लेयर जो ओवरी की वॉल की होती है वो तो पेरिटोनियम लेयर ही होती है. अभी हमने आपको बताया कि बॉडी कैविटी के अंदर की तरफ एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है विच इज मेसोथेलियम मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, और उसके अंदर जो कैविटी है उसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं. तो ओवरी भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है तो इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय दिस पेरिटोनियम लेयर, और यही पेरिटोनियम लेयर का ही एक प्रोजेक्शन जिसको मेसोवेरियम बोलते हैं, वो मेसोवेरियम इसी पेरिटोनियल लेयर से निकल करके हर एक ओवरी को, ईच ओवरी को ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर साइड से अटैच करता है. याद रखिएगा पेरिटोनियल लेयर ओवरी की जो ओवरी की वॉल की जो थ्री लेयर्स है, थ्री लेयर्स में से जो ओवरी की वॉल की आउटर मोस्ट लेयर जिसको आप पेरिटोनियल लेयर बोलते हो, इसी पेरिटोनियल लेयर से पतली सी मेम्ब्रेन अराइज होती है और ये मेम्ब्रेन अराइज होकर के पीछे की तरफ बैकवर्डली एक्सटेंड करके इस ओवरी को हमारी पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर वॉल से अटैच करती है. तो ओवरी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो तो पेरिटोनियल लेयर ही होगी. उसके बाद ओवरी की वॉल की जो मिडिल लेयर है, तीन लेयर्स होती है, इट्स वॉल इज डिवाइडेड इन डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर्स. आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिटोनियल लेयर. मिडिल लेयर जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है. जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब हुआ कि ऐसी एपिथेलियम जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, क्यूब लाइक सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है. और इस जर्मिनल एपिथेलियम के जो ये क्यूबिकल सेल्स होते हैं दे कंटिन्यूअसली डिवाइड, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ ये जो फीमेल गैमेट है ओवम का जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल हो पाता है. तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पेरिटोनियल लेयर हो गई. उसके बाद मिडिल लेयर जो है वो इस ओवरी की वॉल की, उसको आप बोलोगे दिस इज सेकेंड लेयर. ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है विच इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल या क्यूब शेप्ड सेल्स. ओवरी की वॉल का जो इनर मोस्ट लेयर होता है इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कोलेजिनस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये ओवरी की वॉल का थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर है. इस लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. बनी होती है ये डेंस फाइब्रस कोलेजिनस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है. इसमें कोलेजन फाइबर्स जो व्हाइट कलर के कोलेजन प्रोटीन के बने जो फाइबर्स होते हैं उनकी अबंडेंस होती है. तो ओवरी की वॉल की तीन लेयर्स मैंने आपको यहां पे बताई. वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर्स. आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिटोनियल लेयर. मिडिल लेयर जो है वो इसकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है मेड अप ऑफ क्यूबिकल सेल्स लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओवेरियन वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज मेड अप ऑफ डेंस कोलेजिनस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. अब ओवरी जो है वो एक सॉलिड ऑर्गन होता है और इसके अंदर इसका जो सॉलिड इसकी वॉल के अंदर जो इसका सॉलिड टिश्यू होता है विच इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं. और स्ट्रोमा भी अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. देखिए स्ट्रोमा का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, इसकी वॉल के नजदीक वाला जो पार्ट होता है जिसको आप लोग कॉर्टिकल स्ट्रोमा कहते हो, है ना, ये ज्यादा डेंस होता है. ज्यादा डेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू के कई स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं. स्पिंडल शेप्ड सेल्स का मतलब ऐसे सेल्स जो अपने टर्मिनल एंड्स पर, अपने किनारों पर जो है ये नैरोवर हो, टैपर्ड हो, सक्रिय हो और बीच में मोटे हो, तो ऐसे सेल्स को हम लोग स्पिंडल शेप्ड सेल्स बोलते हैं. तो हमने अभी आपको ये बताया कि किडनी, सॉरी, जो ओवी है, ओवी का जो इंटरनल सॉलिड मास है, टिश्यू है इसका, उसको पहली बात स्ट्रोमा कहा जाता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं. नाउ स्ट्रोमा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, या ये कह लीजिए टू लेयर्स. ओवेरियन वॉल के अंदर की तरफ जो इसका पेरिफेरल पार्ट होता है स्ट्रोमा का, इट इज कॉल्ड कॉर्टिकल स्ट्रोमा. इसको कॉर्टिकल स्ट्रोमा कहा जाता है. इट इज मोर डेंसर, ज्यादा घना होता है.
क्यों? क्योंकि इसमें रेटिकुलिन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, रेटिकुलिन फाइबर्स, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया के बहुत सारे जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं उनकी अबंडेंस होती है इस कॉर्टिकल स्ट्रोमा में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसी कॉर्टिकल स्ट्रोमा में बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको आप बोलते हो ओवेरियन फॉलिकल्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स का सिग्निफिकेंस ये है कि हर एक फॉलिकल के अंदर, ये फॉलिकल है, थैली जैसा स्ट्रक्चर है, हर एक फॉलिकल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का जो सेल है वो सेल सिचुएटेड होता है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड ऊसाइट। दिस सेल इज कॉल्ड ऊसाइट सेल। यही ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो ये ऊसाइट सेल है, ये पूरी की पूरी फॉलिकल और इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला जो ये ऊसाइट सेल है, फॉलिकल मैच्योर होगी, ऊसाइट सेल में भी मैच्योरेशन डिवीजन होंगे, एंड अल्टीमेटली ये जो इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो ये ऊसाइट सेल है, इट विल गेट डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेट व्हिच इज कॉल्ड ओवम। इसी को हम लोग ओवम कहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद ये कॉर्टिकल स्ट्रोमा हो गई। अभी हमने आपको बताया कि कॉर्टिकल स्ट्रोमा इज मच मोर डेंसर देन द इनर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट मिडिल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रोमा ऑफ द ओवी। ये तो कॉर्टिकल पोर्शन है, इसको आपने कॉर्टिकल स्ट्रोमा बोला। इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, हर ओवेरियन फॉलिकल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल एग्जिस्ट करती है विच इज कॉल्ड ऊसाइट सेल। ओवेरियन फॉलिकल और ऊसाइट सेल अल्टीमेटली मेच्योर होकर के यही ओवेरियन फॉलिकल अल्टीमेटली प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ऊसाइट सेल इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर आफ्टर मैच्योरेशन फॉर्म्स द ओवम विच इज द फीमेल गैमेट। तो उसके बाद इस कॉर्टिकल स्ट्रोमा में रेटिकुलिन फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ओवरी के स्ट्रोमा का जो मिडिल पोर्शन होता है वो लेस डेंस होता है, कम घना होता है, वो उसकी जो डेंसनेस होती है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कॉर्टिकल स्ट्रोमा के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। इसमें बेसिकली इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो इलास्टिन फाइबर्स हैं कॉर्टिकल स्ट्रोमा में, तो रेटिकुलिन फाइबर्स होते हैं। ये जो मिडिल लेस डेंस पार्ट है ओवी के स्ट्रोमा का, इसको बोला जाता है मेडुलरी स्ट्रोमा। इसमें बेसिकली ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का इनर्वेशन होता है यहां पर, और साथ साथ में कुछ इलास्टिन फाइबर्स भी इस मेडुलरी स्ट्रोमा में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ओवी का जो है वो कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। Shambhunath Group of Institutions, a mentor for glorious transformations.